कि आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतगणना होगी और इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मतगणना आज कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधी टक्कर है। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है और इस बार गांधी परिवार की तरफ से किसी के भी अध्यक्ष बनने से इनकार करने पर वोटिंग को लेकर बात उठी, लेकिन चुनाव के आयोजन में काफी समय लग गया और इस चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 9,500 डेलीगेट्स ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान किया था। गांधी परिवार से करीबी और कई वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी हालांकि सबसे मजबूत मानी जा रही है, लेकिन शशि थरूर की वजह से मुकाबला कड़ा भी माना जा रहा है। तो अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज इतिहास रचे जाएगा, जहां पर अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब मतगणना का दिन आ चुका है कि आखिरकार कांग्रेस का कप्तान कौन होगा, कांग्रेस का बॉस कौन बनेगा। भोपाल, दिल्ली और रायपुर की ये तस्वीरें सामने आई थी जब मतदान तमाम जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने किया था।